नमस्कार, मैं रविश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। पत्रकारों ने राहुल गांधी को लेकर फैलाया झूठ तो रविश कुमार ने अंजना ओम कश्यप की ओर इशारा करते हुए कसा तंज। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कुछ गोदी पत्रकारों ने ये झूठी खबर फैला दी थी कि राहुल गांधी ने अपने समर्थन में ट्वीट करने वाले पत्रकारों को पैसे बांटे हैं। इसी खबर को लेकर रविश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली थी, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली, इस नाम से चैनलों में प्रोग्राम चलते हैं मगर हल्ला बोलने के नाम से होने वाली रैली कवर न हो, इसके लिए पहले से ही गोदी पत्रकार अफवाह उड़ा रहे थे कि कांग्रेस की रैली को लेकर ट्वीट करने वाले पत्रकारों को पैसे दिए गए हैं। रैली से पहले ही कुछ पत्रकारों ने इस तरह के ट्वीट कर दिए। गोदी पत्रकारों को अच्छी तरह से पता था कि विपक्ष को कवरेज नहीं मिलेगा। अखबारों का भी वही हाल होगा कि किसी पन्ने पर कहीं छोटी सी खबर छपी होगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कल का अखबार देख लीजिएगा। रविश कुमार ने कहा, जो निर्लज्जता से गोदी मीडिया बने हुए हैं वो कांग्रेस की रैली पर ट्वीट करने वालों को निष्पक्षता के नाम पर ताना मार रहे हैं। जो खुदसत्ता पक्ष में समाहित हो चुके हैं वो निष्पक्षता पर ताना तो मारेंगे ही। मोहल्ले के बदमाश लोग कभी नहीं चाहते कि पढ़ने वाले शरीफ छात्र की घर घर तारीफ हो। रविश कुमार ने गोदी मीडिया की गोदीगिरी पर देशवासियों से अपील की है। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। रविश कुमार ने कहा, देश के हर नागरिक को इस गोदी मीडिया से लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस के लिए नहीं अपने लिए। गोदी मीडिया से लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, गोदी मीडिया से लड़ाई नागरिकों के आज़ाद अस्तित्व और स्वाभिमान के लिए है। उसे अपने लिए गोदी मीडिया से लड़ना होगा। जनता को अंदाज़ा नहीं है कि उस पर किस तरह का गोला गिरने वाला है, उसकी चीख पुकार उसके भीतर ही दबकर रह जाएगी। रविश कुमार ने राहुल गांधी को भी आरे हाथों लिया, कहा गोदी मीडिया से लड़ने में राहुल गांधी ने देर कर दी, लेकिन वह अब गोदी मीडिया के खिलाफ बोलने लगे हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। तो ही टारगेट करने वाले पत्रकारों पर हमला बोलते हुए रविश कुमार ने लिखा, आज कांग्रेस की बात रखने पर गोदी पत्रकार पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं। याद रखना चाहिए, विपक्ष का मतलब कांग्रेस और राजद नहीं होता, विपक्ष का मतलब होता है जनता। जनता को झूठ और भय के आधार पर डराया जा रहा है। जनता हर बार पहले से ज़्यादा पीछे हट रही है। जब जनता ही नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा। तो रविश कुमार की इस बात को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।